हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। अभी है शाम का टाइम और अभी मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरी तरह मे भी आप लोगों में से काफ़ी लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। देखो ये प्लांट है एडेनियम का एंड ये करीब 2 साल से ऊपर हो गया है इस पौधे को। और पहली बार देखो ये दिख रहा है आपको, ये सीड पॉड है और ये इसमें जो है ये मैंने रबर लगाए हुए हैं। ये हाथ में पैसे हैं यार, एक्चुअली मुझे बाहर जाना है तो हाथ में रख दी। मैंने कहा लेट हो रहा है, पहले वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो ये रबर लगाने का मेन इंटेंशन क्या है? पॉड में मैंने रबर लगाया हुआ है। इस रबर को लगाने के पीछे का रीज़न ये है, जैसे जैसे ये पकना शुरू होता है ये बीच में से स्प्लिट हो जाता है और उसके जो सीड्स होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो वो उड़े नहीं और मैं इसे बचा सकूं, इसी के लिए मैंने इसमें ये इलास्टिक लगा के रखा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इसमें पॉली बैग्स भी लगा के रखते हैं, यहाँ पे थ्रेड से पॉलीथिन को बांध देते हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है और ये इजी लगा मुझे तो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। मैंने इसके सीड के लिए कई जगह इंक्वायरी की है, ऑनलाइन तो अवेलेबल हो जाता है लेकिन मुझे आसपास की जो शॉप्स है ना उसमें कहीं पे भी दिखा नहीं। तो मैं इस बार बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरे प्लांट में सीड्स बन रहे हैं। इस रेनी सीजन तो मैं बहुत सारे प्लांट्स लगाने वाली हूँ एडेनियम के, जिसे मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पर सारे पूरे इसके जो बेस में है, मैंने यहाँ पे टैंगल हार्ट से वैसे रख दिया था और ये कितना सुंदर ग्रो हुआ है, ये इसके इस प्लांट को कितना हाईलाइट कर रहा है, इन्हांस कर रहा है इसकी ब्यूटी को। और दोस्तों मैं इसकी रिपोर्टिंग करना चाह रही थी बट ये सीड पॉड के कारण मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है। कारण यही था कि इसमें अभी सीड पॉड था और मैं चाह रही थी कि ये पक के नए सीड्स मेरे पास में तैयार हो जाए, जिस कारण मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की। ना ही मैंने इसके ब्रांचेस को छेड़ा है, ना इस पॉड को छेड़ा है मैंने। कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो भी मैं कंपोस्ट यूज़ करती हूँ उनमें से कोई भी कंपोस्ट भी अभी नहीं डाली हूँ, सिर्फ पानी डाल रही हूँ मैं। 2 दिन में, 1 दिन में हर दिन पानी डालती हूँ थोड़ा सा, और बस उससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ। और जैसे ही ये सीड्स पक के हो जाएंगे उसके बाद मैं करूँगी मैं इसकी रिपोर्टिंग, वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो इतना ही है, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखेंगे। हैप्पी गार्डनिंग, बाय।